नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि हावड़ा जंक्शन से रक्सौल जंक्शन के बीच में रोजाना ट्रेन है, डेली ट्रेन है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मिथिला एक्सप्रेस के बारे में, जो कि हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल से रक्सौल जंक्शन बिहार के बीच में दैनिक ट्रेन है, डेली ट्रेन है। ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 13021 और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसका ट्रेन नंबर मैंने आपको पहले बता दिया, जो कि है 13021। 17 घंटे 15 मिनट में रक्सौल हावड़ा जंक्शन से रक्सौल जंक्शन की दूरी जो है कवर करता है। इसके तकरीबन 38 स्टेशन है और 693 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। LHB कोचेज वाली ट्रेन है। सगौली जंक्शन में इसका रिवर्सल होता है और इसे वेब 7 इंजन के साथ चलाया जाता है। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। अगर रूट मैप के बारे में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड को कवर करती है। ये जो ट्रेन है हावड़ा जंक्शन से स्टार्ट होती है, बाद में सियोराफुली जंक्शन होते हुए बंडेल जंक्शन, दुर्गापुर, आसनसोल में पहुंचती है। आसनसोल के बाद जासीड़ी जंक्शन, झारखंड, झाझा, किउल बिहार, बरौनी, समस्तीपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार होते हुए मोतीपुर, बापूधाम, मोतिहारी में पहुंचती है। फिर सगौली जंक्शन में इसका रिवर्सल होता है और रक्सौल जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर मिथिला एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया आगे बताऊंगा वो हावड़ा जंक्शन से रक्सौल जंक्शन बिहार तक का होगा। इसमें वैसे सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों को छोड़कर आपको सभी कोचेस में जो है रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तो आगे जो टिकट किराया डिस्कस करेंगे वो कोचेस वाइज टिकट किराया डिस्कस करेंगे मिथिला एक्सप्रेस का हावड़ा से रक्सौल तक का। हावड़ा से रक्सौल तक का मिथिला एक्सप्रेस का सेकंड एसी का पर सीट किराया है 1470 रुपये, जिसमें 1350 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 70 रुपये है और टोटल किराया 1470 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, सेकंड एसी का किराया है जो कि हावड़ा से रक्सौल तक का बता रहा हूँ। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी है। थर्ड एसी का हावड़ा से रक्सौल तक का जो टोटल किराया है वो है 1030 रुपये, जिसमें 941 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज तकरीबन 50 रुपये है, टोटल किराया 1030 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास की अगर बात करें तो स्लीपर क्लास के तकरीबन इस ट्रेन में 4 कोचेस हैं, जिसका हावड़ा जंक्शन से रक्सौल जंक्शन तक का टोटल किराया 380 रुपये है, जिसमें 360 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल किराया 380 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन 2 कोच हैं जो कि इंजन की तरफ लगाए गए हैं, जिसका टिकट किराया 210 रुपये के करीब है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर से किराया जो है कन्फर्म जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं मिथिला एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल से रक्सौल जंक्शन बिहार तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं और उन स्टेशन पर इस ट्रेन का क्या स्टॉपेज है। मिथिला एक्सप्रेस जो कि डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है, जिसका ट्रेन नंबर है 13021, हावड़ा जंक्शन से रोजाना ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:45 पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 17 घंटे 15 मिनट बाद ये अगले दिन सुबह 9 बजे रक्सौल जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 38 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन है वो है श्रीरामपुर, यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 4:07 पर पहुंचती है और 4:13 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 6 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सियोराफुली जंक्शन पश्चिम बंगाल में शाम के 4:18 पर पहुंचती है और 4:13 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 23 मिनट पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 22 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद चंदन नगर पश्चिम बंगाल में ये ट्रेन जो है शाम के 4:32 पर पहुंचती है और 4:34 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 32 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बंडेल जंक्शन पश्चिम बंगाल में शाम के 4:53 पर पहुंचती है और 4:58 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 40 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बंडेल जंक्शन का स्टेशन कोड है BDC और यहां पर ये ट्रेन जो है हूल एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद बर्धमान जंक्शन पश्चिम बंगाल में ये ट्रेन जो है शाम के 6:13 पर पहुंचती है और 6:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। 4 मिनट का स्टॉप है,
दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है और 107 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पानागढ़ पे ये ट्रेन जो है शाम के 6:47 पे पहुंचती है और 1 मिनट बाद 6:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 155 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ट्रेन जो है शाम के 7:04 पे पहुंचती है और 7:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 170 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। हाटिया बर्धमान मेमू एक्सप्रेस ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद वड़िया रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है शाम के 7:17 पे पहुंचती है और 7:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है OYR। इसके बाद अंडाल जंक्शन पश्चिम बंगाल में ये ट्रेन जो है शाम के 7:26 पे पहुंचती है और 7:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। यहां पर मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 188 किलोमीटर की दूरी जो है हावड़ा जंक्शन से अंडाल जंक्शन तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद रानीगंज पश्चिम बंगाल में ट्रेन जो है शाम के 7:38 पे पहुंचती है और 1 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। शक्तिपुंज एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद आसनसोल जंक्शन पश्चिम बंगाल में यह ट्रेन जो है रात के 8:03 पे पहुंचती है और 8:08 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अंग एक्सप्रेस के साथ बुधवार को और मुकोमा हावड़ा एक्सप्रेस के साथ हर रोज इसकी क्रॉसिंग होती है। 213 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। सीतारामपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 8:18 पे पहुंचती है और 8:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 222 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और सीतारामपुर जंक्शन का स्टेशन कोड STN। रूप नारायणपुर जो कि पश्चिम बंगाल का स्टेशन है यहां पर ट्रेन जो है रात के 8:33 पे पहुंचती है और 8:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 234 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। चितरंजन रेलवे स्टेशन पे रात के 8:40 के करीब पहुंचती है और 8:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 238 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है झारखंड के जमतारा रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है रात के 9 बजे के करीब और 9 बजे ही वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 252 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। विद्यासागर रेलवे स्टेशन झारखंड में ट्रेन जो है रात के 9:18 पे पहुंचती है और 9:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मधुपुर जंक्शन झारखंड में पहुंचती है रात के 9:38 पे और 9:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। 4 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जासीडी जंक्शन में पहुंचती है। जासीडी जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 10:10 पे पहुंचती है और 10:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 323 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। जासीडी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है बिहार के झाझा रेलवे स्टेशन में पहुंचती है। यहां पर ट्रेन जो है रात के 11:21 पे पहुंचती है और 11:23 पे वहां से 26 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 367 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद झाझा रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है जमुई रेलवे स्टेशन बिहार में पहुंचती है। यहां पर ट्रेन जो है रात के 11:43 पे पहुंचती है और 11:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। जमुई रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है किउल जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर ट्रेन जो है रात के 12:07 पे पहुंचती है और 12:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बढ़िया रेलवे स्टेशन पे रात के 12:26 पे पहुंचती है और 12:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बरौनी जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है रात के 1:35 पे पहुंचती है और 2 बजे के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 2 बजे ही रवाना हो जाती है। 25 मिनट का स्टॉप है। 8 या 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। सीमांचल एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है और इसके बाद बछवारा जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 2:19 पे पहुंचती है और 2:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 476 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन बिहार में ट्रेन जो है
रात के 2:34 पे पहुंचती है और 2:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 486 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उजैरपुर रेलवे स्टेशन बिहार में ये ट्रेन जो है रात के 3:09 पे पहुंचती है और 3:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। समस्तीपुर जंक्शन बिहार में रात के 3:30 पे पहुंचती है और 3:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है SPJ और 510 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन पे रात के 3:48 पे पहुंचती है, 3:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 524 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ढोली रेलवे स्टेशन बिहार में सुबह 4:08 पे पहुंचती है और 4:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 538 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। और ढोली में गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस के साथ हर बृहस्पतिवार को इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन बिहार में सुबह 5:00 पहुंचती है और 5:05 पे मिथिला एक्सप्रेस वहां से रवाना हो जाती है। मिथिला एक्सप्रेस का यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 564 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मोतीपुर बिहार में ट्रेन जो है सुबह 5:36 पे पहुंचती है और 5:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 590 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। महसी रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 5:50 के करीब पहुंचती है और 5:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 602 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। महसी के बाद ये ट्रेन जो है चकिया रेलवे स्टेशन पे सुबह 6:00 पहुंचती है और 6:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां तक की जो दूरी है मिथिला एक्सप्रेस 609 किलोमीटर के करीब हावड़ा से चकिया तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे सुबह 6:25 पे पहुंचती है और 6:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सगौली जंक्शन बिहार में यह ट्रेन जो है सुबह 7:01 पे पहुंचती है और 7:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 23 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। हर सोमवार को इसकी कामाख्या कटरा एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और यहां पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है, इंजन दूसरी दिशा में लगकर चलता है। फिर अपने सेकंड लास्ट स्टेशन रामगढ़वा में ट्रेन जो है सुबह 8:00 के करीब पहुंचती है और 8:01 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 677 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद हावड़ा से रक्सौल तक चलने वाली मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन जो है अपने आखिरी स्टेशन रक्सौल जंक्शन बिहार में सुबह 9:00 पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल दूरी है 692 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपने नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ।